5 अगस्त 2019 भारतीय राजनीति से जुड़ी वो तारीख बन गई जिसे देश में बड़े बदलाव के तौर पर याद किया जाता रहेगा। 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर का राजनैतिक वजूद बदल चुका है। राजनैतिक चिंतक ऐसा किया जाना इसलिए भी जरूरी समझते हैं क्योंकि इन बीते दशकों में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की शह में कुछ ऐसी राष्ट्र विरोधी शक्तियां मजबूत होती नजर आईं जो कि समय समय पर नासूर साबित हुईं। सेना को दुश्मन तो आतंकियों को रखवाला बोला जाने लगा। कश्मीरी पंडितों को बेदखल होते देखा गया। भारत के दूसरे प्रदेश के नागरिकों के साथ भेदभाव जैसा रवैया रहा। फिर भी पुरानी सरकारों ने ठोस कदम नहीं उठाए। लेकिन ये सवाल भी उठे कि जो विशेष दर्जा भारत से जम्मू कश्मीर की दूरियां बढ़ाने का कारण बनता रहा वो दर्जा दिया ही क्यों गया था। देखिए पूरी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर भारत का सिरमौर, देश का मस्तक, हिंदुस्तान का जन्नत, भारत गणराज्य का अभिन्न। इस प्रदेश को लेकर हम पिछले 7 दशकों से जाने किन किन विश्लेषण का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन अब से पहले तक जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक हैसियत थी उसकी वजह से यह हमारे होते हुए भी पूरी तरह से हमारा नहीं था। एक देश लेकिन संविधान अलग अलग थे, एक देश लेकिन ध्वज अलग अलग थे, एक देश लेकिन नागरिकता में फर्क था, और एक देश होते हुए भी कई मामलों में अन्य प्रदेशों के साथ भेदभाव था। ये वो तमाम कारण थे जिनकी सरपरस्ती में जन्नत जैसे कश्मीर में अलगाववादियों को सर उठाने का मौका मिल गया। ये इन हसीन वादियों में जहर उगलने वाले वही पाकिस्तान परस्त अलगाववादी नेता थे जो रहते तो कश्मीर में थे और खाते भी यहीं का थे, लेकिन राग पाकिस्तान का अलापा करते थे। ऐसे देश विरोधी स्वरों को कुचलने और जम्मू कश्मीर को सही मायनों में भारत देश का अखंड हिस्सा बनाने के लिए विशेष दर्जे को खत्म करने की जरूरत थी, और यह तभी मुमकिन था जब उसे विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म किया जाए। इसे लेकर इन दशकों में कई बार आवाज भी बुलंद की गई, लेकिन पुरानी सरकारों ने नासूर बन चुके जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को न तो खत्म करने की जहमत उठाई और न ही उसके समाधान को लेकर किसी भी तरह की कोई पहल की। लेकिन जो बड़ा काम अब तक नहीं हो पाया था उसे मोदी सरकार ने कर दिखाया। मोदी सरकार से देश को इस बात की उम्मीद भी थी क्योंकि वो मोदी सरकार ही है जो अपने बड़े साहसिक फैसलों और तेजी से लिए जाने वाले फैसलों को लेकर अपनी एक अनूठी पहचान गढ़ी है। में राजनीतिक नजरिए से जम्मू कश्मीर जब जब चर्चाओं में रहा तब तब उसे विशेष दर्जा देने वाले विवादित अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A का जिक्र हुआ है। सवाल ये भी उठते हैं कि आखिर इसे लागू क्यों नहीं होने दिया गया, और बाद के दशकों में जब इसे विवादित समझा जाने लगा तभी उसका खात्मा क्यों नहीं किया गया। दरअसल इन सवालों का जवाब करीब 70 साल पुराने उन राजनीतिक पुलिंदों में दफन है जिसके आधारशिला ही विवादों की नींव पर रखी गई। दरअसल 26 अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उसी समय अनुच्छेद 370 की नींव पड़ गई थी जब समझौते के तहत भारत की केंद्रीय सरकार को सिर्फ रक्षा, विदेश और संचार के मामलों में ही दखल देने का अधिकार दिया गया था, जिन्हें 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 बनाकर संविधान में जोड़ दिया गया। 70 साल पुराने उस फैसले को बदलते वक्त में बदलाव की दरकार थी। कई बार ऐसे मौके भी आए जब इस विशेष दर्जे की आड़ में अमानवीय कारगुजारियों को भी अंजाम दिया गया। घाटी में इसकी सरपरस्ती से ऐसी ताकतें उभरी जिन्हें अपने ही सेना दुश्मन दिखाई देने लगी थी और जिन्हें खूंखार आतंकी रखवाले नजर आने लगे थे। देश उस दौर को भी नहीं भूल सकता जब कश्मीरी पंडितों को वहां से मार मार कर भगाया गया, उनकी बहु बेटियों की अस्पत लूटी गई और जान से मार देने की धमकियां दी गई थी। उस वाक्य पर चुप्पी साधने वाले जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रीय दलों ने न तो उसे रोकने में कोई खासी दिलचस्पी दिखाई थी और न ही उसके बाद कभी कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर कोई ठोस फैसला लिया। उन्हीं दलों को आज अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के खात्मे पर जबरदस्त आपत्ति हुई। खैर, देशहित में एक बड़ा फैसला हो चुका है और 5 अगस्त 2019 का दिन देश के राजनीतिक इतिहास में दर्ज हो चुका है।
क्योंकि इसी दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देश में एक नया स्वरूप मिला। दोनों ही अब केंद्र शासित हो गए हैं। अब से देश में सात नहीं बल्कि 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई है। जम्मू कश्मीर में व्यवस्था जहां विधानसभा भी होगी और सरकार भी चुनी जाएगी, तो वहीं लद्दाख की स्थिति चंडीगढ़ जैसी होगी जहां अब से प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। राजनीति डेस्क, जनता टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।